हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरिता पूरी कुकिंग एट होम किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ इंस्टेंट जलेबी। वैसे तो जलेबी मैदे से बनती है, लेकिन आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी से। और ये जलेबी बाहर से इतनी क्रिस्पी, अंदर से इतनी जूसी बनी है। आप देख सकते हैं कि कितनी ही क्रिस्पी और सॉफ्ट है कि एक हाथ से भी आसानी से टूट रही है। तो चलिए इंस्टेंट जलेबी बनाना शुरू करते हैं। जलेबी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप बारीक सूजी ली है। अगर सूजी बारीक ना हो तो उसे थोड़ा सा मिक्सी में चला लें। अब हम इसे एक बाउल में डाल देंगे और इसी के साथ मैं इसमें ऐड करी हूँ 1/4 कप मैदा, 1/2 कप दही, 1/2 टेबल स्पून इलायची पाउडर। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। जिस कप से हमने दही मापा था, सेम उसी कप में मैं पानी डाल रही हूँ। 1/2 कप पानी इसमें मैंने डाल दिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी ये मुझे थिक लग रहा है, इसे हमने पतला ही रखना है, इसलिए थोड़ा सा पानी इसमें मैं और ऐड कर रही हूँ। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब 10 से 15 मिनट के लिए एक साइड में रख देंगे ताकि सूजी पानी अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। 15 मिनट हो गए हैं, सूजी ने पानी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है और ये एकदम थिक हो गया है। अभी हम इसमें धीरे धीरे पानी और ऐड करेंगे। अभी मैं इसमें 1/4 कप पानी ऐड कर रही हूँ। अभी भी ये मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड किया है, यानी कि कुल मिला के मैंने 1/2 कप पानी इसमें और ऐड किया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं 2 पिंच ऑरेंज फूड कलर। अगर आपको फूड कलर नहीं पसंद तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसी में थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर रही हूँ ताकि कलर अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा बैटर रेडी है। सेम इसी तरह की कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। ये देखिए, इस तरह की होनी चाहिए। ये ज़्यादा फ्लोइंग भी नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा थिक होना चाहिए, बस मीडियम बैटर चाहिए हमें। तो चलिए अब हम चाशनी रेडी कर लेते हैं। चाशनी के लिए हमने यहाँ पर 1 कप चीनी ऐड की है और उसी के साथ 1/2 कप पानी ऐड किया है। इसे अच्छे से मेल्ट कर लेंगे और एक तार की चाशनी रेडी कर लेंगे। ये देखिए, चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अभी हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए, एक तार बन रहा है, हमारी जो चाशनी है वो रेडी है। अभी हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 चम्मच इलायची पाउडर और थोड़ा सा नींबू का रस, ताकि इसमें क्रिस्टल ना बने। इसे बस 1 मिनट ही पकाएंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। चाशनी हमारी रेडी हो गई है और हमारा बैटर भी लगभग रेडी है। अब हम बैटर में डाल रहे हैं 1/2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जलेबी बनाने के लिए आप इस तरह की सॉस बॉटल या फिर इस तरह का कोई भी पॉलीथीन या फिर आप इस तरह का पाइपिंग बैग भी ले सकते हैं। आपके घर में जो अवेलेबल हो और आपको जो भी इजी लगे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पाइपिंग बैग और इस तरह सॉस बॉटल को अच्छे से भर लिया है। अगर आप मैदे की जलेबी देखना चाहते हैं, वो भी मेरे चैनल में ऑलरेडी है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ऑयल को मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और इस तरह से अब हम जलेबियों की शेप दे देंगे। जैसे ही सभी जलेबियों को हम डाल देंगे, तब हम इसका फ्लेम मीडियम टू हाई कर लेंगे। जब तक जलेबियाँ एक साइड से अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए, तब तक इन्हें बिल्कुल भी टच ना करें और इन्हें क्रिस्पी होने में सिर्फ 1 से 2 मिनट ही लगते हैं। और ये देखिए, एक साइड से ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी अच्छे से क्रिस्प कर लेंगे। ये देखिए, जलेबियाँ बढ़िया सी दोनों तरफ से क्रिस्पी हो गई हैं। अब हम इसे फटाफट से चाशनी में डालते जाएंगे एक एक करके, और इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो हम निकाल लेंगे। एक बात ध्यान में रखें, इन्हें गर्मा गर्म ही चाशनी में डालें। अगर आप ठंडा करके डालेंगे तो जलेबियाँ चाशनी को एब्जॉर्ब नहीं करेंगी और हमारी जलेबियाँ बढ़िया नहीं बनेंगी, इसलिए इन्हें गर्मा गर्म ही डालें। सिर्फ 1 मिनट ही इसमें डिप करें और उसके बाद पलट लें। पलटने के बाद भी सिर्फ 1 मिनट ही रखें और इन्हें निकाल लें और गर्मा गर्म सर्व करें। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।